हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये महिंद्रा ट्रैक्टर 575 का ये शेल्फ है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, केवल हल्का सा राउंड ले रहे हैं, रों रों कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या बीमारी है, इसको खोल के देखेंगे कि किस वजह से ये क्या प्रॉब्लम आई, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। आइए हम इसको खोल के दिखाता हूँ। ये नट मैंने खोल लिए हैं और ये ढक्कन खोल लेता हूँ। मैं बताऊँ कि क्या बीमारी, किस कारण से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं इसके अंदर क्या बीमारी है। इसके अंदर ये हमारी ये रोकड़ प्लेट है, ये रोकड़ प्लेट है, ये कार्बन बूस लगे हुए हैं इनके चारों तरफ, और ये हम तो हम ये इस रोकड़ प्लेट को पहले खोल लेंगे। और ये वायर जो है ये अर्थिंग वाला है कार्बन बूस, और इस तरफ ये स्लीव लगी हुई ये करंट का है प्लस वाला, तो हम पहले इसको खोल लेंगे। ये खोल लिया हमने कार्बन बूस। दूसरी तरफ ये देखो, ये वाली इसके अंदर बीमारी है, ये जो लॉक है स्प्रिंग है इसकी कार्बन बूस की मेन करंट वाली, ये खुल चुकी है और इसके अंदर ही गिर गई, तो इसकी वजह से कार्बन बूस बराबर टच नहीं हो पा रहा आर्मेचर के। एक तो इस कारण की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बताता हूँ आपको, ये हमारी रोकड़ प्लेट है। और दूसरी बीमारी इसके अंदर ये भी है, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले खूंटियाँ, ये आर्मेचर के टच ओवर चल रही है, ये वाला आर्मेचर, ये देखो इसके टच होके चल रही है, मतलब शॉर्ट हो रही है प्लेट, इसकी वजह से ये करंट इसी में ख़त्म हो रहा है सारा, ये राउंड ले रहा है इसकी वजह से। तो ये बीमारी ये वाली प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और बाकी इसके अंदर डीजल भी चला हुआ है, काफ़ी कार्बन आ चुका है इसके अंदर, और इसको पेट्रोल से धोएंगे, इसको साफ़ करेंगे, ये इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है रोकड़ प्लेट की वजह से। वो सेल को खोल कर पेट्रोल से सर्विस कर लेता है, पेट्रोल से अच्छी सर्विस करेंगे, धोएंगे इसको अच्छे से। तो दोस्तों ये कंप्लीट कर दिया है, और ये इसकी जो अंदर की जो फिल्ट हैं ये ख़राब हो चुकी थी, तो इसके हम बाहर निकाल कर ये वाली जो कॉटन टेप है इनसे मैंने वापस इसको रिपेयर किया इस फिल्टे को, और इस फिल्टे को वापस नई कॉटन टेप से बांध दी मैंने, और पेपर पैकिंग लगा के कंप्लीट कर दिया। ये वाली फिल्टे कंप्लीट है, और ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर को हम ये रेजमाल की सहायता से इसको साफ़ कर देंगे ताकि कार्बन नहीं रहे, रेजमाल साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद में ये जीरियाँ हैं इसकी कुछ पेचकस की सहायता से इसकी जीरियाँ को साफ़ कर देते ताकि इसमें कार्बन नहीं रहे। ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको फिट करेंगे, ये धो के रेडी है, कंप्लीट है, इसको हम फिट करेंगे। हम इस सेलब को फिट करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम सबसे पहले सेंटर प्लेट को फिट कर देंगे। ये हमने ग्रीस लगा दी, हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं, ये हम पहले सेंटर प्लेट को लगाएंगे। ये हमने सेंटर प्लेट लगा दी, इसके बुश कंप्लीट है, इसके बुश कंप्लीट है, और ये मैंने सेंटर प्लेट लगा दी। अब हम इसको बैंडेज को फिट करेंगे, ये गिरारी है 2761 नंबर की गिरारी है ये वाली, अभी इसमें हल्का सा ग्रीस करके उसके बाद में इस प्लेट को ऊपर ऐसे फिट करेंगे इसको, इसके भी हल्का सा ग्रीस लगा दें। अब हम ये गिरारी फिट करेंगे और बाद लगा उसके बाद लगाएंगे हम ये वाली लॉक लगाएंगे, ये लॉक लगाएंगे और प्लास से इसको फिट करेंगे। ये लॉक फिट हो चुकी है, और इसकी मदद से प्लास से हल्का से इसको मुंह को दबा देंगे। ये ग्रीस लगा दिया हमने, और अब हम इसको प्लास से नीचे की फिट करेंगे। ये लॉक फिट हो चुकी है, ठीक है, ये गिरारी और सेंटर प्लेट कंप्लीट है। उसके बाद में हम ये हाउसिंग लेंगे, हाउसिंग के अंदर बुश वाले 031 नंबर का बुश है, आके ग्रीस करेंगे इस पर। अब हम इसको फिट करेंगे, और ये चिमटा ले लिया हमने,
हम इसको फिट करेंगे, इसको ऐसे लगाना है इस तरफ, इस प्लेट के अंदर ये वाली इस जगह लगेगा ये। कई बार ऐसा ना हो ऐसे लगा दे, ये ऐसा नहीं लगे ऐसे लगाना। तो इसको हम फिट कर देंगे आसानी से। ये वाला छेद है चिमटा का, ये वाला छेद और इस छेद, ये वाले छेद में नट आर पार होना चाहिए बस। इस वाले छेद से मिलाएंगे हम ये चिमटे के छेद से, नट बाहर निकलना चाहिए। ये फ्री है बिल्कुल। हमने आर्मेचर फिट कर दिया है, अब हम इसको बिठाएंगे फिल्टिंग, ये वाली फिल्टिंग इसके अंदर बिठाएंगे हम। इसके अंदर ये वाली रॉकेट प्लेट, ये आर्मेचर ये फिट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम रॉकेट प्लेट लगाएंगे। चारों स्प्रिंग है, इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस कर दिया मैंने ताकि जंग ना पकड़े। और ये वाला जो रॉकेट प्लेट के जो आर्मेचर अड़ रहे हैं, पहले ये वाली प्रॉब्लम थी, अब इसको मिटाने के लिए इसके ऊपर पहले ये एक वाइसर था, अब हमें वाइसर दो और रखना पड़ेगा, छोटा छोटा वाला प्लास्टिक वाइसर है ये। इसकी वजह से क्या कि ये रॉकेट प्लेट का यह आर्मेचर नहीं अड़ेगा, दूर चलेगा। और ये लोहे वाला है, इसके ऊपर ये लोहे वाला रख देंगे ताकि अब की बार जब हम फिट करेंगे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ये वाइसर रखने की वजह से। तो अब हम इसके अंदर ये वाली रॉकेट प्लेट करेंगे। और यहाँ पर जो अर्थिंग वाला सिस्टम है, जो इसको ये रेजमाल की सहायता थोड़ा घस दें ताकि अर्थिंग अच्छे से पकड़ हो जाए। इसको भी घस दें और कटोरे को भी यहाँ से अर्थिंग वाले को घस देंगे। और ये वाला कट इस टर्मिनल का है और ये वाली अर्थिंग के। हमने इसके अंदर ये वाली रॉकेट प्लेट ये फिट कर दी है, ये फिट कर दी। अब हम कार्बन बुश लगाएंगे इस तरीके से, आसानी से फिट हो गया। और अब हम ये लगाएंगे इस साइड का दूसरा वाला। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को प्रेस करें। इसके अंदर जो हम ये कागज का जो टुकड़ा है, ये फिल्टे वाला जो कार्बन बुश है, ये वाला इस साइड का प्लेट वाला नहीं, ये फिल्टे वाला जो करंट का है, इसके यहाँ इसके पास में लगा देंगे ताकि बॉडी हर्ट ना हो। ये फिल्टे वाले कार्बन बुश है उसके लगाना, ये करंट के हैं इसके लगा देना। इस तरफ एक इस तरफ लगाना है और एक इस तरफ लगाना है, मतलब दोनों साइड करंट के हैं। फिल्टे वाले कार्बन बुश उसके लगाना है ताकि कटोरे के बॉडी अर्थ ना हो। और ये कार्बन बुश है प्लेट के ही अर्थिंग हो रखा है, इसके लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों को लगाना बाकी है। हमने वैसा रख दिया दो और, अब की बार ये नहीं अड़ेगा इसके। अब ये बाकी कंप्लीट हो चुका है, अब हम कटोरे को लगाएंगे। ठीक, ये वाले हम कटोरा लगा देंगे, ये वाला कट वायर की तरफ। ये वाली जो ये नट है 10 नंबर नट है, ये तो है रॉकेट प्लेट के अंदर वाली जो रॉकेट प्लेट है उसके हैं। और ये स्टेड नट है, इसको कसना है। दोस्तों ये वाली मोटर मैंने फिट कर दी है, सेलअप या कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर ये केप लगाना बाकी है, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर ये बिठाना है। और ये लॉक वाली साबुत है, इसके अंदर लॉक लगेगी, लॉक ये वाली लॉक इसके अंदर बिठाएंगे हम इस तरीके से, ऐसे ये बैठ चुकी है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने के मिला हो तो हमारे चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें।